हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कॉमिक्स कम्युनिटी चैनल पे। दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं थैनोस राइजिंग का एपिसोड 3। लेकिन वीडियो शुरू हो उससे पहले मैं आपको बता दूं, हमारे यहाँ थैनोस राइजिंग के अलावा बाकी की कॉमिक्स भी मिलती हैं, जैसे कि मार्वल सीक्रेट इन्वेजन, जिसमें हमने अवेंजर्स और स्कल की फाइट देखी, और लास्ट में अवेंजर्स के साथ कुछ ऐसा हुआ कि अवेंजर्स, शील्ड, फैंटास्टिक फोर और यहाँ तक कि टोनी की स्टार्क इंडस्ट्रीज सब नॉर्मन ऑसबॉर्न के अंडर आ चुकी है। साथ ही में हम इनविंसिबल आयरन मैन कॉमिक्स भी कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने आयरन मैन का ब्लीडिंग एज आर्मर देखा, और भी काफी सारी वीडियोस हैं, तो आप उन्हें देखना ना भूलें। हमने अब तक देखा थैनोस एक सीधा साधा सा टीनेज बच्चा है, जो कि एक मरी हुई लिजर्ड का खून देखकर ही वॉमिट कर देता था। लेकिन उसके लाइफ में एक मिस्टीरियस लड़की आती है, जो कि थैनोस को उसके डर से सामना करने के लिए इनकरेज करती है, और उस लड़की से इन्फ्लुएंस होकर थैनोस अपने फ्रेंड की मौत का बदला लेने के लिए उन रेप्टाइल्स को मार देता है और उस मिस्टीरियस लड़की के साथ उसके लैब में एक्सपीरियंस करने लगता है। शुरुआत में थैनोस की चाहत बस ये जानने की होती है कि वो टाइटन वासियों से अलग क्यों लगता है, लेकिन थैनोस को उस लड़की के साथ रह के लोगों का मर्डर करके और उन्हें एग्जामिन करने में मजा आने लगा था, जहां उसने अपने क्लासमेट्स को मारा, अपने प्रोफेसर को मारा, और साथ ही साथ वो एक ऐसी पर्सन को किडनैप कर लेता है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। थैनोस ने अपनी माँ को किडनैप कर लिया था, और फिर उसके साथ भी थैनोस वही करता है जो उसने बाकियों के साथ किया, यानी कि मर्डर। तो गाइस, यही था जो हमने लास्ट एपिसोड में देखा था। तो अब शुरू करते हैं फैंस की फरमाइश के साथ, रॉक इंट्रो के साथ, आज का एपिसोड 3। अपनी माँ को मारने के बाद थैनोस बोलता है, मैं जानता हूँ ये बहुत बेतुका है कि खुद के बारे में जानने के लिए मैंने अपनी माँ को मार डाला, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ऐसा याद आता है कि जब मैं पैदा हुआ और किसी ने मुझे गोद में लिया तो वो शख्स मुझे मारना चाहता था। आई एम सॉरी मदर कि मैंने आपके साथ ऐसा किया। कई महीनों बाद थैनोस अब बड़ा हो गया है और वो एक स्क्रल लेडी के साथ लेटा है। फिर थैनोस वहां से उठकर किसी काम के लिए जाने लगता है, तो वो स्क्रल लेडी बोलती है, डार्लिंग थैनोस, तुम कहाँ जा रहे हो? तो थैनोस कहता है, काम से, और तुम सो जाओ। तो वो लेडी कहती है, क्या तुमने अपने बच्चे को देख लिया? थैनोस कहता है, हाँ, और हमें दिखता है थैनोस का बेबी, जो कि एकदम थैनोस की ही तरह लग रहा है। फिर थैनोस वहां से चला जाता है। फिर रास्ते में चलते हुए थैनोस हमें बताता है, जब उसने अपनी माँ को मारा था तो थैनोस ने उसी दिन टाइटन को छोड़ दिया था, और अपनी डेस्टिनी खुद लिखने के लिए वो कई प्लैनेट्स भटकने के बाद इस प्लैनेट पे आ गया, जहाँ ना तो कोई नियम है और ना ही कोई कानून, और यहाँ जिंदगी की कोई कीमत नहीं है। यहाँ कोई भी ये नोटिस नहीं करता है कि इतने लोगों में किसी ने एक का मर्डर कर दिया। फिर हम कुछ लोगों को गैलेक्टस के बारे में बात करते सुनते हैं, और वो साथी में कॉस्मिक क्यूब के जिक्र भी कर रहे होते हैं। लेकिन थैनोस एक शिप की ओर जाते हुए बोलता है, टाइटन पे वो एक प्रिंस की तरह रह सकता था, लेकिन थैनोस को उसकी डेस्टिनी खुद ही बनानी थी, और वैसे भी टाइटन पे उसने लोगों की सिर्फ जान ही ली थी, बट यहाँ इस प्लेनेट पे जहाँ पर वो खड़ा है, उसने क्रिएशन किया है। उसने अपनी पहली बीबी से एक बच्चे को जन्म दिया है। उसके बाद थैनोस एक स्पेसशिप में बैठ के कहीं चल देता है। फिर उस शिप के कैप्टन की आवाज़ आती है, ऑल राइट बॉयज, अब सब मेरी बात ध्यान से सुनो, हमारे ठीक सामने शियार एम्पायर की सप्लाई शिप है जिसपे हमें अपना हाथ साफ करना है। तो वहाँ का एक मेंबर बोलता है, कैप्टन गुस्ताखी माफ़ हो, लेकिन हम कब से शियार एम्पायर के शिप को लूटने लगे? शियार के लोग टेक्निकली काफ़ी एडवांस है, हम उनका सामना नहीं कर सकते, उनके सप्लाई शिप को लूटना मतलब सुसाइड करना है। तो कैप्टन कहता है, भले ही अब तक उनके शिप को ना लूटा गया हो, लेकिन आज वो इस शिप को लूटेंगे। तो वो मेंबर कुछ बोलने को होता है, उससे पहले ही कैप्टन फिर से बोलता है, ये मेरा शिप है और तुम सब लोग वही करोगे जो मैं चाहूँगा। तो एक मेंबर फिर से बोलता है, लेकिन हम उन्हें लूटेंगे कैसे? कि तभी थैनोस की आवाज़ आती है, मैंने उनके सैटेलाइट सिस्टम को जैम कर दिया है जिससे वो हमें नहीं देख सकेंगे। तो कैप्टन थैनोस की तरफ देखकर कहता है, तुम कौन हो बैगन की दुकान? तुम्हें तो मैं पहली बार मेरे शिप पर देख रहा हूँ। थैनोस उसकी बात का जवाब ना देते हुए कहता है, मैंने उनके नेटवर्क जाम कर दिए हैं, तो तुम लोग उनके शिप को लूट सकते हो। जिसके बाद वो सभी लुटेरे उस सप्लाई शिप पे ट्रैकर बीम की हेल्प से ब्रिज बना के अटैक कर देते हैं, और थैनोस उन पायरेट्स को बस मरता हुआ देख रहा है, और ये सोच रहा है, इन पायरेट्स के हौसले तो बुलंद हैं लेकिन बुद्धि नहीं,
ये सोचते हैं कि ये लोग क्री का शिप लूट सकते हैं, तो अपने लोगों को मरता देखकर कैप्टन गुस्से से थैनोस पे चिल्ला के बोलता है, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुम्हें पता भी है इतने वफादार लोग कितनी मेहनत के बाद मिलते हैं। थैनोस कहता है, सप्लाई शिप को लूटने का आइडिया तुम्हारा था, मैंने तो उसमें बस तुम्हारी मदद की है। उसके बाद थैनोस वहां से चला जाता है और अपने घर आ जाता है, फिर अपनी बीवी के साथ अपने दिन के बारे में सोचते हुए सो जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है एक हॉस्पिटल में, जहाँ उसकी बीवी ने एक बेबी को जन्म दिया है। तो थैनोस की बीवी पूछती है, कैसा है हमारा बच्चा? थैनोस अपने बच्चे को देखकर बोलता है, क्या ये बच्चा एक मॉन्स्टर है? मुझे तो नहीं लगता कि एक बच्चा मॉन्स्टर लग सकता है, क्योंकि मॉन्स्टर तो मेरे अंदर है। फिर थैनोस वहां से चला जाता है। इधर शिप का कैप्टन उस क्री शिप पर अटैक करने में सक्सेस रहा, तो वो क्री के लोगों को मार के थैनोस को दिखाता है और बोलता है, ये देखो थैनोस, तुम क्या कह रहे थे कि हम लोग शियार के लोगों का सामना नहीं कर सकेंगे? ये देखो उनकी लाशें, ये हैं शियार के लोग। तो थैनोस उन लाशों से गुजरता हुआ बाहर चला जाता है और कबाड़ से एक पुराने इंजन का पार्ट लेकर जाने लगता है। तभी एक आदमी पास में आता है और थैनोस को रुकने के लिए बोलता है। फिर वो आदमी थैनोस से कहता है, थैनोस तुमको शिप में दोबारा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर तुम उस शिप में दोबारा गए तो कैप्टन तुमको मार देगा। थैनोस कहता है, आखिर ये सब तुम उसको क्यों बता रहे हो? और वहां से चला जाता है। आगे जाते ही उसे कैप्टन घेर लेता है, फिर वो थैनोस को एक मुक्का मार के गिरा देता है। कैप्टन कहता है, उठो कायर, मैं तुम्हें और इस शिप पर बर्दाश्त नहीं कर सकता, तुमने तो हम सबको मरवा ही डाला था, तलवार उठाओ और मेरे साथ लड़के किसी मर्द की तरह मरने को तैयार हो जाओ। तो थैनोस मुस्कुराकर बोलता है, बस तुम्हें इतना ही दम था और खुद को मर्द बोलते हो। तो कैप्टन गुस्से में थैनोस के पेट में तलवार घुसेड़ देता है। तलवार घुसेड़ने के बाद कैप्टन बोलता है, आज मैं तेरे टुकड़े करके ही दम लूंगा। उसके बाद कैप्टन थैनोस के पेट से तलवार निकालता है और कहता है, शुरुआत में तेरी मोटी गर्दन को तेरी बॉडी से अलग करके करूंगा, और अपना हाथ हवा में उठाता है। थैनोस सोचने लगता है, मैं टाइटन छोड़कर अपनी डेस्टिनी की तलाश में प्लैनेट्स पर भटकता हुआ इस दलदल से भरे प्लैनेट पर आ पहुंचा। इस जर्नी में मैंने बहुतों को खून बहाया है, लेकिन क्या ये मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है? फिर थैनोस अपनी दोनों आंखें बंद कर लेता है, और जब थैनोस अपनी आँख खोलता है तो देखता है कि उसके हाथ में तलवार है, सामने कैप्टन मरा पड़ा है, और कैप्टन की टीममेट्स अब थैनोस की जय जयकार कर रहे हैं, और थैनोस को ही उन्होंने नया कैप्टन चुन लिया है। उसके बाद थैनोस अपनी नई और पहली आर्मी के साथ वहां से कहीं चल पड़ता है। इसके बाद हमें अभी की स्टोरी दिखाई जाती है, जहां थैनोस अभी भी टाइटन पे आया है और सामने अपनी माँ की ग्रेव को देखकर कह रहा है, मैं टाइटन पर वापस आया क्योंकि मैं भाग भाग के थक चुका हूँ, मैं थक चुका हूँ उन सवालों का जवाब ढूंढते ढूंढते कि आखिर मैं हूँ कौन। तो वहीं पे एक लेडी की आवाज़ आती है, मुझे नहीं लगता कि तुम टाइटन पर खाली अपनी माँ के लिए आए हो। फिर वो लेडी थैनोस का वेलकम करती है और कहती है, तुम काफ़ी बड़े हो गए हो और काफ़ी यंग भी लग रहे हो। थैनोस कहता है, तुम्हें आखिर कैसे पता चल जाता है कि मैं यहाँ हूँ? तुम हर बार मुझे कैसे ढूंढ लेती हो? तो वो लेडी बोलती है, मैं तुम्हें तुमसे ज़्यादा जानती हूँ। थैनोस बोलता है, आई मिस यू। दोस्तों, ये वही मिस्टीरियस लड़की है जिसे हमने पिछले एपिसोड्स में देखा था, जो कि अब बड़ी हो गई है। फिर थैनोस उस लेडी को बाहों में लेके बोलता है, मैंने कई गैलेक्सी घूमी और वहाँ रहने वाली कई लड़कियों से मेरे बच्चे भी हुए, मैंने उनके साथ रातें बिताई, लेकिन मुझे कहीं भी वो प्यार और वो सुकून नहीं मिला जो मुझे तुम्हारे पास मिलता है। तब वो लड़की थैनोस का हाथ पकड़ के कहती है, न जाने कब से मैं तुम्हारे इस टच का इंतजार कर रही थी। थैनोस कहता है, मैं जानता हूँ, तुम्हें भी मेरी उतनी ही ज़रूरत है जितनी कि मुझे तुम्हारी। और उस लेडी से पूछ ही लेता है, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तब वो लेडी बोलती है, ज़रा संभल कर बरखुरदार कि तुम मुझसे क्या मांग रहे हो, क्योंकि अगर तुम मुझसे मेरा सब कुछ मांग रहे हो तो तुमको सिर्फ और सिर्फ मेरा होना पड़ेगा। तुम तो समझ ही रहे होगे आखिर मेरे कहने का क्या मतलब है। इसके बाद हमें दिखाई जाती है थैनोस की स्क्रल वाइफ, जो कि थैनोस के बच्चे को लेकर बातें कर रही है और कह रही है, आपके फादर जल्दी ही आएंगे, वो बाकी फादर की तरह नहीं है जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना समझते हो। तभी एंट्री होती है थैनोस की, जिसे देख के वो स्क्रल लेडी खुश हो जाती है और कहती है, बेबी मैंने तुमसे कहा था ना तुम्हारे फादर जरूर आएंगे। तो थैनोस कहता है, मुझे ये बच्चा देना। तो फिर वो लेडी अपने बच्चे को थैनोस को दे देती है। उसके बाद उस घर से किसी के चीखने की आवाज़ आने लगती है और अगले पल हम देखते हैं थैनोस ने अपनी वाइफ और अपने न्यू बॉर्न बेबी को मार दिया है, और उसके पास में वो मिस्टीरियस लेडी खड़ी है जिससे थैनोस कह रहा है, लो अब बस मैं तुम्हारा ही हूँ। और ये मिस्टीरियस लेडी कौन है ये हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा, क्योंकि ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। और गाइज, आप हमें कमेंट करके बताएं आखिर ये मिस्टीरियस लेडी है कौन। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें,
कोई और स्टोरी सुनना चाहते हैं तो कमेंट में बताएं। ये सब अगर कर लिया हो तो बोर ना हो उसके लिए आप मेरी बाकी की वीडियोस देखें। तो अब मैं चलता हूँ और आप बस खुश रहें और मेरी वीडियोस एंजॉय करते रहें। Strength.